हरे कृष्णा एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एडूवर्स। दिस साइड योगेंद्र शुक्ला। सो नाउ इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज अबाउट द प्रेसिडेंट। ओके, पार्ट थ्री है एम लक्ष्मीकांत का, जिसके अंडर में मतलब पार्ट थ्री जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके अंडर में हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज, ये सब आते हैं। तो आज हम लोग मतलब देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। हेयर दिस इज द चैप्टर नंबर 17, टाइटल्ड है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं सबको पता ही होगा भाई, राष्ट्रपति। ओके, है ना, राष्ट्रपति, ठीक है। तो अब जो प्रेसिडेंट है मतलब प्रोविजंस और वी कैन से डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट, वो किस कहाँ के मतलब किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 52 से 78 में, जो कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78, ठीक है, ये डील करता है विद द प्रेसिडेंट। और ये जो आर्टिकल हैं ये आते हैं पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। नाउ हियर द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। जो आर्टिकल 52 है, इधर ध्यान से देखो, जो आर्टिकल 52 है और 78 है, 52 से 78 जो आर्टिकल है वो डील करते हैं किससे, यूनियन एग्जीक्यूटिव से, ठीक है ना। और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इतने लोग हैं जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से 78 के अंदर बताया गया है, ठीक है ना, इलेबरेट किया गया है। नाउ हियर द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट हेड ऑफ़ द इंडियन स्टेट कौन है, हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट पहले सिटीजन है इंडिया के। एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द नेशन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन है, ऑफ इंडिया है, और वो एक्ट करते हैं एज अ सिंबल फॉर द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन और द इंडिया। ओके, अब इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, भाई कोई आदमी प्रेसिडेंट बन रहा है तो उस पोस्ट के लिए उसको रिक्रूट कैसे किया जाएगा, उसको उसका प्रोसीजर क्या होता है वो देखते हैं। तो हेयर द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट को जैसे हमारे MP या फिर MLA जो मिनिस्टर्स होते हैं वो तो डायरेक्टली पीपल से इलेक्ट होके आते हैं ना, लेकिन जो प्रेसिडेंट है हमारे वो डायरेक्टली पीपल से इलेक्ट होके नहीं आते हैं, बट बाय मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। ये जो है प्रेसिडेंट ये पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये इलेक्ट होते हैं मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। और वो जो इलेक्टोरल एरियाज कौन से हैं, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही इस मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। नाउ हियर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, जो विधानसभा हैं राज्यों की, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के। ओके, और जो तीसरा एरिया है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड द पुडुचेरी, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इस इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो अल्टीमेटली तीन जगह से होते हैं, एक तो भाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउसेज ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, एंड द रेस्ट इज द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली एंड द पुडुचेरी। ये तीन एरिया हैं जहाँ से लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। नाउ हेयर दस द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, दस द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द बोथ ऑफ द हाउसेस, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेंबर्स इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है ना,
एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते। वेयर एन असेंबली इज डिसॉल्वड द मेंबर सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इवन इफ फ्रेश इलेक्शंस टू द डिसॉल्वड असेंबली आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ओके, ये बस को दोबारा पढ़ते हैं। Thus, the nominated members of both the houses of the parliament, the nominated members of state legislative assembly, the members, whether it is elected or nominated, of the state legislative council, the nominated members of the legislative assemblies of the Delhi and the Puducherry, do not participate in the elections of the president. Where an assembly is dissolved, the members cease to be qualified to vote in the presidential election. Even if fresh elections to be dissolved assembly are not held before the presidential elections. ठीक है ना। Now here constitution provides that there shall be uniformity in the scale of representation of different states as well as parity between the states as a whole and the union at the election of the president. To achieve this, the number of votes which each elected members of the legislative assembly of each state and the parliament is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner. Every elected member of the legislative assembly, जो भी elected member legislative assembly के, ठीक है ना, विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, शैल हैव एज मैनी वोट्स एज देयर आर मल्टीपल ऑफ 1000 इन द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडेंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स। ओके, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबली, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो मतलब MLA की जो वोट वैल्यू होगी वो किससे डिटरमाइन होगी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड इनटू 1/1000। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई जैसे मान लो यूपी पॉपुलेशन 20 करोड़ है, ठीक है ना, और उसके इलेक्टेड मेंबर्स इधर से हमारे 80, ये इंटू वन बाय वन थाउजेंड ये डिटरमाइन करेगा MLA की वोट वैल्यू। ठीक है ना। Now here, every elected member of either house of the parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of legislative assemblies of the states by the total number of elected members of the both the houses of the parliament. This can be expressed as the value of MP, जो member of parliament, उनकी मतलब उनकी vote value क्या है, total value of votes of all MLAs of the states, जितने भी MLA हैं उनकी जो वोट वैल्यू है उसका टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, नाउ हियर द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो हेल्ड होता है वी कैन से अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट द सक्सेसफुल कैंडिडेट इज रिटर्न्ड बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ द वोट्स। ओके, the quota of the votes is determined by dividing the total number of valid votes polled by the number of candidates to be elected plus 1 and adding 1 to the quotient. The formula can be electoral quota, total number of valid votes polled upon 1 plus 1 plus 1. Each member of the electoral college is given only one ballot paper.
जितने भी मेंबर्स कंसिस्ट कर रहे हैं, टेक पार्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, उनको एक एक बैलेट पेपर मिलता है। द वोटर वाइल कास्टिंग हिज वोट इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंस बाय मेकिंग 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स। जितने भी कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट टेक पार्ट कर रहे हैं वोट में, उनके आगे जो भी वोटर हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, अगर वो वोट दे रहे हैं तो उनको इंडिकेट करना पड़ता है अपने वोट के आगे मार्किंग, ठीक है ना, कि वो फर्स्ट पर्सन को वोट दे रहे हैं कि सेकेंड की थर्ड की फोर्थ। दिस मीन्स दैट द वोटर कैन इंडिकेट एज मैनी प्रेफरेंसेज एज देयर आर द कैंडिडेट्स इन द फ्रे। ओके, जितने भी कैंडिडेट्स फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट मतलब इलेक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो वोटर है वो अपना प्रेफरेंस डाल सकता है। इन द फर्स्ट फेज द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर काउंटेड। इन केस अ कैंडिडेट सिक्योर्स द रिक्वायर्ड कोटा इन दिस फेज ही इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ठीक है। अदरवाइज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ वोट्स इज सेट इन द मोशन। द बैलेट ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग द लीस्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आर कैंसल्ड एंड हिज सेकेंड प्रेफरेंस ऑफ द वोट्स आर ट्रांसफर टू द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ऑफ द अदर कैंडिडेट्स। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल अ कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन द कनेक्शन विद इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज द फाइनल। जितने भी डाउट या डिस्प्यूट होंगे फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उससे कौन डील करेगा? हमारा एपेक्स कोर्ट करेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसीज अमंग द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इसके अगर इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो इलेक्शन में जितने लोग पार्ट कर रहे हैं उसमें कुछ मेंबर नहीं आए, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ऑन दिस बिहाफ। इफ़ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी पर्सन है वो इलेक्ट हुआ एज अ प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नॉन इलेक्टेड और वी कैन से वॉइड बता दिया, ठीक है। वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ द सच डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन द फोर्स। सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसाइज द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एज अनडेमोक्रेटिक। सही बात है, ठीक है, पीपल तो इसको इलेक्ट कर ही नहीं रहे, तो एक तरह से अनडेमोक्रेटिक सीन है। एंड प्रपोज द आइडिया ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है ना। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चूज द इनडायरेक्ट इलेक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब आ सकता है इधर क्वेश्चन कि वाई देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उसका आंसर ये रहा, ठीक है, द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज इन हारमनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इनवाइसेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेडेड बाई द नॉर्मल एग्जीक्यूटिव एंड द रियल पावर्स आर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर। इट वुड हैव बीन एनोमलस टू हैव द प्रेसिडेंट इलेक्टेड डायरेक्टली बाई द पीपल एंड नॉट गिव हिम एनी रियल पावर। अल्टीमेटली जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें जो मेन पावर्स दी गई हैं वो किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करते हैं? पीएम करते हैं। तो अल्टीमेटली सब पावर पीएम के पास है। अगर प्रेसिडेंट को हम लोग इलेक्ट करवाते हैं डायरेक्टली और उनको कोई पावर नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली है कि नॉन अप्रोप्रिएट वे है, ठीक है ना। द सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली एंड टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। सही बात है, डायरेक्ट इलेक्शन करवाने में भाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आएगी, टाइम भी लगेगा और एनर्जी भी कंज्यूम होगी, ठीक है ना, ड्यू टू द वास्ट साइज ऑफ द इंडिया, ठीक है ना, ड्यू टू द वास्ट साइज ऑफ द इलेक्टोरेट। दिस अनवॉरेंटेड कीपिंग इन द व्यू दैट ही इज द ओनली सिम्बलिक हेड। नाउ हियर सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सजेस्टेड दैट द प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट अलोन। मतलब अभी तक हमने जो अभी लेजिस्लेटिव असेंबली ली है ऑफ द स्टेट्स, ठीक है ना, वो सब नहीं टेक पार्ट करनी चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज में फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ लोग मेंबर्स कह रहे हैं। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो केवल दो ही हाउस, अपर एंड लोअर हाउस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही लेना चाहिए, ठीक है ना। नाउ हेयर
द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रीफर दिस एज द पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय वन पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव इनवेरिएबली चूजन अ कैंडिडेट फ्रॉम दैट पार्टी एंड सच अ प्रेसिडेंट कुड नॉट रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। सही बात है, जो पार्लियामेंट है उसमें भाई मतलब ऐसा तो है नहीं कि इक्वल प्रपोर्शन है पार्टीज़ का, कुछ पार्टी होती हैं जो डोमिनेट करती हैं। अगर सिर्फ पार्लियामेंट ही इलेक्ट करने लगेगी प्रेसिडेंट को, तो वो जो प्रेसिडेंट के लिए जो कैंडिडेट इलेक्ट हो रहा है वो उस पर्टिकुलर पार्टी का भी, मेजोरिटी पार्टी का भी हो सकता है। इससे जो इंटीग्रिटी है और हमने जो सॉलिडिटी की बात की है वो इफेक्ट हो रही है, ठीक है ना। द प्रेसिडेंट सिस्टम मेक्स द प्रेसिडेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट इक्वली। सही बात है। नाउ हेयर फर्दर इट वॉज पॉइंटेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट द एक्सप्रेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज अ मिसनोमर। ओके, द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टेक्स प्लेस वेयर टू और मोर सीट्स आर टू बी फिल्ड। इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट द वैकेंसी इज ओनली वन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ ही हुआ? इट कुड बी बेटर कॉल्ड एज द प्रिफरेंशियल और द अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। सिमिलरली द एक्सप्रेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वॉज ऑल्सो ऑब्जेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट नो वोटर हैज़ अ सिंगल वोट, एवरी वोटर हैज़ द प्लूरल वोट्स। सही बात है, सिंगल वोट कहाँ हो रहा है भाई? एक एक ऐसा तो है नहीं कि आपने भाई मतलब जितने कैंडिडेट्स उधर फॉर द प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं उनके आप मतलब एक कैंडिडेट को आपने वोट दे दिया, ऐसा है नहीं। आप जिसको चाहें उसको दे सकते हैं, ठीक है ना, जितने वोट चाहे उसको दे सकते हैं। अब जिसका कोटा ज़्यादा होगा आखिरी में वही जीतेगा। भाई मैंने एक नंबर को दिया, दो नंबर को दिया, किसी ने दो नंबर को दे दिया, तीन नंबर को दे दिया, दो नंबर का जो कोटा है वो बढ़ गया ना, दिस इज़ द केस। नाउ हेयर अब क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती हैं फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। एज अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, ठीक है ना, कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। ही शुड कम्प्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल के होने चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेम्बर ऑफ द लोकसभा, ठीक है ना, जो मेंबर ऑफ़ द लोकसभा होने चाहिए तभी वो इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस और द प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। अ सिटिंग प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, ओके, और एनी स्टेट इज़ नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस फॉर द प्रॉफिट एंड हेंस क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। कोई भी ऑफिस नहीं होल्ड करने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर इट। एक मिनट, ओके, तो ये जो चार क्राइटेरिया हैं कि भाई पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा 35 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए, तीसरा मेंबर ऑफ द लोकसभा होना चाहिए, और चौथा है कि कोई भी ऐसी पोजीशन होल्ड ना करे, कोई भी प्रॉफिट पोजीशन होल्ड ना करे, वेदर इट इज़ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव फर्दर द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड एटलीस्ट 50 इलेक्टोर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टोर्स एट द सेकेंडर्स। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ द 15,000 इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी रहती है, ठीक है ना। द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लाइएबल टू बी फोरफिटेड इन केस ऑफ द कैंडिडेट फेल टू सिक्योर 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड। नाउ हेयर बिफोर 1977 से पहले जो नंबर ऑफ प्रपोजर्स और सेकेंडर्स थे वॉज 10 ईच एंड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट वॉज 2,500। इन 1997 दे वर इंक्रीज टू डिस्करेज द नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो कि बेमतलब के लिए घुस जा रहे हैं फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन, उनको हटाने के लिए आफ्टर 1997 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था 2,500 उसको बढ़ा के कर दिया गया हमारा 15,000, ठीक है ना। नाउ हेयर अब देखो प्रेसिडेंट बन गए, उनका इलेक्शन हो गया, अब उसकी कुछ बनने के बाद कुछ रीति रिवाज भी होते हैं, कुछ ओथ लेनी पड़ती है, कुछ प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, इतने टॉप मोस्ट पोजीशन पे एक तरह से आप बैठ रहे हैं उसके लिए। तो ओथ एंड अफर्मेशंस क्या है फॉर द मतलब टेकन बाय द प्रेसिडेंट।
नाउ हियर बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन। इन हिज ओथ द प्रेसिडेंट स्वेयर्स टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। ऑफिस को जितनी भी एग्जीक्यूटिबिलिटी है उसको फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे। टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जो लॉ है, कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान को, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और डिफेंड भी करेंगे। और जो तीसरा है, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो कुछ तीन ओथ्स हैं जो कि प्रेसिडेंट लेते हैं आफ्टर द इलेक्शन। अब ये रहे हमारे कुछ प्रेसिडेंट्स जो कि नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है ना। नाउ हियर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रेसिडेंट थे, इलेक्ट हुए थे इन 1952, ठीक है ना। 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से इलेक्ट हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इन 1962, डॉक्टर जाकिर हुसैन इन 1967, इतने इतने वोट से इन्होंने जीता था। डॉक्टर वी वी गिरी जो कि 1969 में हुए थे, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो केवल 2 साल के लिए प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है इधर ना। फखरुद्दीन अली अहमद जो कि 1974 में प्रेसिडेंट बने थे। नाउ एन संजीव रेड्डी 1977, जो फखरुद्दीन अली थे वो भी 3 साल के लिए प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। नाउ ज्ञानी जैल सिंह 1982 में प्रेसिडेंट बनी थी। ये कुछ प्रेसिडेंट्स के नेम हैं अभी हाल में। रामनाथ कोविंद हैं और 2022 में हमारी द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है ना। द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एडमिनिस्टर करते हैं ओथ प्रेसिडेंट की। ओके एंड इन अगर CJI एब्सेंस है तो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो ओथ दिलवाएगा, उसको एड्रेस करेगा, एडमिनिस्टर करेगा। नाउ हेयर एनी अदर पर्सन्स एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो अंडरटेक्स द सिमिलर ओथ एंड अफर्मेशन। नाउ हेयर कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। He should be not be the member of either House of the Parliament or a House of the State Legislature. If any such person is elected as a president, he is deemed to have vacated his seat in that house, ठीक है, on the date on which he enters upon his office as the president. देखो यार भाई, किसी भी member, किसी भी मतलब लोकसभा राज्यसभा किसी का भी वो member नहीं होनी चाहिए। अगर member हैं तो जैसे ही वो elect होते हैं वो अपनी seat को vacate कर दें, ठीक है। He should not hold any other office of profit, ठीक है। He is entitled without payment of rent to the use of his official residence, Rashtrapati Bhavan. He is entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by the parliament. His emoluments and allowances cannot be diminished during his term of office. In 2018, Parliament increased the salary of the President from 1.5 lakh to 5 lakh per month, ठीक है ना। Earlier 2008 में जो पेंशन थी, the pension of the retired President was increased from 3 lakh per annum to 50% of his salary per month. In addition, the former Presidents are entitled to furnished residence, phone facility, car, medical treatment, travel facility, secretarial staff and the office expenses up to 1 lakh per annum. Now here, the spouse of a deceased president is also entitled to a family pension at the rate of 50% of the pension of a retired president. Okay, now here the president is entitled to a number of privileges and the immunities. He enjoys personal immunity from legal liability of his office act, official acts during his term of office. He is immune from any criminal proceedings. Even in respect of his personal acts, he cannot be arrested or imprisoned. However, after giving 2 months notice, civil proceedings can be instituted against him during his term of office in the respect of his personal acts. Term impeachment and vacancy.
टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, कितने के लिए होल्ड करते हैं ऑफिस, 5 ईयर के लिए, ठीक है ना। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, हाउ एवर ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम, ठीक है, बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट, किसको अगर रिजाइन करते हैं तो जो रेजिग्नेशन लेटर है वो प्रेसिडेंट किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है ना। फर्दर ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को इम्पीच भी किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स अंटिल हिज सक्सेसर्स एज्यूम चार्जेस, ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ एवर इन USA अ पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस, ठीक है। नाउ हियर इम्पीचमेंट कैसे होता है प्रेसिडेंट का, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ एवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेज वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस, एक चौथाई मेंबर जो हाउस के हैं वो साइन करने चाहिए इस चार्ज पे, एंड अ 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, इट इज़ सेंड टू अदर हाउस विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन, इफ अदर हाउस ऑल्सो सस्टेन्स द चार्जेस एंड पासेज द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन बाय अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, द प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, ओके, फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिजोल्यूशन इज सो पास्ड। नाउ हेयर दस एन इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, इम्पीचमेंट एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, ठीक है ना, पार्लियामेंट में। इन दिस कंटेक्स्ट टू थिंग्स शुड बी नोटेड, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शंस, भाई नॉमिनेटेड मेंबर हैं ईच हाउसेस के, वो इम्पीचमेंट में पार्ट ले सकते हैं हालांकि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। नाउ हेयर जो सेकंड पॉइंट है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड द पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन, तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में केवल हाउसेस ही मतलब लोकसभा और राज्यसभा ही टेक पार्ट करते हैं, ठीक है ना, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और वी कैन से यूनियन टेरेटरी है वो टेक पार्ट नहीं करते इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस, ओके, हालांकि वो पार्ट लेते हैं इलेक्शन में प्रेसिडेंट के। अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है ना। अ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, अ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन ऑकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, बाय हिज रेजिग्नेशन, ऑन हिज रिमूवल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, बाय हिज डेथ, अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल वेन ही बिकम डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और वेन हीज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, वेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सिटिंग प्रेसिडेंट, an election to fill the vacancy must be held before the expiration of the term, in case of any delay in conducting the election, new president by any reason, the outgoing president continues to hold office, bhai uski date expire ho rahi hai, election ho le raha kisi reason se, to jo president pehle the bhai apne office ko continue rakhenge jab tak naya president ka election ho nahi jata, wo aa nahi jate office mein। इन दिस सिचुएशन द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन रिमूवल और डेथ अदरवाइज देन द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स, 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ occurrence of the vacancy, the newly elected president remains in the office for a full 5 term from the date of he assumes charges of his office. When a vacancy occurs in the office of the president due to his resignation, removal or death, otherwise the vice president acts as a president until the new president is elected. Further, when
द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यू टू द एब्सेंस इलनेस और एनी अदर कॉज द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अनटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम्स हिज ऑफिस. नाउ इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है ना, अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. नाउ व्हेन एनी पर्सन दैट इज वाइस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस और द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं पे हैं, नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, मतलब हैं अगर वो मतलब प्रेसिडेंट की पावर को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो और वो सभी पावर्स को इंजॉय करेंगे जो कि प्रेसिडेंट इंटाइटल्ड होते हैं. ठीक है ना, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस उनको मिलेंगे ना. हेयर पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. देखो पावर क्या है, मतलब 7 भागों में बांटा गया है. पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव, तीसरा फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड द इमरजेंसी प्रोविजंस. एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम्स. जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं. ठीक है, ही कैन मेक रूल्स स्पेसिफाई द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड. ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस of the union government and for allocation of the said business among the ministers. He appoints the prime minister and other ministers. They hold office during his pleasure. ठीक है ना, he appoints the attorney general of India and determines the remuneration. The attorney general holds office during the pleasure of the president. He appoints the comptroller and auditor general of India. The chief election commissioner का appoint करते हैं president. ठीक है, कैग को अपॉइंट करते हैं और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं. चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी को अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट. चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन. मतलब अधिकतर लोग को टॉप टॉप मोस्ट पोजिशन जो है उनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट हमारे. नाउ ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर. He can require the Prime Minister to submit for the consultation of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which is not been considered by the Council. He can appoint a commission to investigate into the conditions of the SC, ST and other backward classes. He can appoint an inter-state council to promote center-state or the inter-state cooperation. He directly administer the union territories through the administrators appointed by him. ठीक है, he can declare any area as scheduled area and has power with respect to the administration of the scheduled areas and the tribal areas. हमने बात देखा ये special provision to semi state वाले chapter में. Now जो legislative power हैं जो कि president के पास हैं वो तो executive थे, और legislative power क्या है, He can summon or prorogue the parliament and dissolve the Lok Sabha. He can also summon a joint sitting of both the houses of the parliament, which is presided over by the speaker of the Lok Sabha. He can address the parliament at the commencement of the first session after each general elections and the first session of each year. Address कर सकते हैं parliament को. He can send messages to the houses of the parliament, whether with respect to a bill pending in the parliament or otherwise. He can appoint any member of the Lok Sabha to prescribe over its proceedings when the offices of both the speaker and the deputy speaker fall vacant. तो किसी भी आदमी को appoint कर सकते हैं for the proceedings of the Lok Sabha. Now similarly, he can also appoint any member of the Rajya Sabha to preside over its proceedings. अगर डिप्टी चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन अवेलेबल नहीं है. ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम अमंगस्ट द पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. ठीक है ना, इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस. ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कमेटी.
ही डिसाइड्स ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन. हिज प्रायर रिकमेंडेशन एंड परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट. फॉर एग्जाम्पल अ बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और अ बिल फॉर द अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट और द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट. When a bill is sent to the president after it has been passed by the parliament, he can give his assent to the bill, withhold his assent to the bill, or return the bill, if not a money bill, for return the bill for the reconsideration of the parliament. However, if the bill is passed again by the parliament with or without amendments, the president has to give his assent to the bill. Now, when a bill passed by a state legislature is reserved by the governor for the consideration of the president can give by same चीज़ है. Now, he can promulgate ordinances when the parliament is not in session. These ordinances must be approved by the parliament within 6 weeks from its assembly. And he can also withdraw an ordinance at any time. He lays the reports of the Comptroller and Auditor General, UPSC, Finance Commission and other public others before the Parliament. He can make regulations for the peace, progress and the good government of the Andaman, Nicobar Island, Lakshadweep, jitne bhi union territory hain unke liye regulations bana sakte hain for the peace and the power. Ye humne do dekh liya. एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. अब आती है फाइनेंशियल पावर. फाइनेंशियल पावर फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन. ही कॉजेज टू लीड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनियन बजट. नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन. ही कैन मेक एडवांसेज आउट ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया to meet the unforeseen expenditure. He constitutes the finance commission after every 5 years to recommend the distribution of revenues between the center and the states. Now judicial power kya kya hai. He appoints the chief justice of India and the judges of the supreme court of or the high court. Theek hai. He can seek advice from the supreme court on any question of the law or the fact. However, the advice tendered by the supreme court is not binding on the president. ठीक है ना. ही कैन ग्रैंट पार्डोन रिप्राइव और रिस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड रेमिट और द कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस इज बाय एसी मार्शल. ओके. इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज यार बाय एन इधर एन है ठीक है सॉरी यार इधर बाय एन कोर्ट मार्शल है ठीक है ना. और यहाँ पे ऑफिस फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ. नाउ हेयर जो तीसरा है इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ. डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है. द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. However, they are subjected to the approval of the parliament. He represents India in international forums and affairs and sends and receives diplomats like ambassador and high commissioners and so on. Military powers, he is the supreme commander of the defense forces of India. In that capacity, he appoints the chiefs of the army, the navy and the air force. He can declare war or conclude peace subject to the approval of the parliament. मतलब वो वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं फिर पीस कॉन्टिक्यूट कर सकते हैं आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है ना. इमरजेंसी प्रोविजंस क्या हैं. इन एडिशन टू द नॉर्मल पावर्स मेंशनड अबव द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स ऑन द प्रेसिडेंट टू डील विद द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंसी. नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 एंड 365 एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360. ओके. नाउ वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट.
वेन सच अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट ही हैज थ्री अल्टरनेटिव अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, ही मे विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल, और ही मे रिटर्न द बिल. ओके नाउ हियर द प्रेसिडेंट हैज द वीटो पावर ओवर द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट. दैट इज ही कैन विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल्स. द ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फरिंग दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू फोल्ड, टू प्रिवेंट हेस्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट, और टू प्रिवेंट लेजिस्लेशन विच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. द वीटो पावर इंजॉयड बाय द एग्जीक्यूटिव इन मॉडर्न स्टेट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग: एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड द पॉकेट वीटो. टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, सस्पेंसिव वीटो कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद द ऑर्डिनरी मेजॉरिटी. ठीक है. नाउ हियर एब्सोल्यूट वीटो, विदहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट. विद रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट मेंबर्स बिल, द प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विल्ड हेल्ड इज हिज असेंट टू द PEPSU अप्रोप्रिएशन बिल. दिस बिल वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट वेन द प्रेसिडेंट रूल वॉज इन ऑपरेशन इन द स्टेट्स ऑफ द PEPSU. बट वेन द बिल वॉज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ हिज असेंट, सस्पेंसिव वीटो हो गया ये, पॉकेट वीटो, एंड द लास्ट वन इज द प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन. वेन अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज रिप्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट, ही हैज फोर अल्टरनेटिव. ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, ही मे विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल, ही मे रिटर्न द बिल, और ही मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ऑर्डिनेंस पैट्रोनिंग ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पैट्रोन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है ना. ये तो था चैप्टर 17 रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट. अब चैप्टर 18 है ये, नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, सेम उसी तरह है. ठीक है ना, देख सकते हैं आप, सेम वैसा ही है. ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो बताना यार. ठीक है, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, हरे कृष्णा, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके बाय बाय.